प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की सबसे पहले जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको IIT JEE की कोचिंग 10वीं क्लास के बाद से लेनी चाहिए या 12वीं में लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन सबको परेशान करता है, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि IIT JEE की कोचिंग 2 साल के लिए या सिर्फ 1 साल में ही हम IIT को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको IIT JEE की कोचिंग 11वीं से लेनी चाहिए यानी 2 साल की, या 12वीं में लेनी चाहिए 1 साल की। कुछ बच्चे तो आजकल 8वीं क्लास से ही JEE की कोचिंग करनी शुरू कर देते हैं, उनको थोड़ा अपर हैंड तो रहता है क्योंकि वो 5-6 साल से कोचिंग कर रहे हैं। चलिए बिना समय खराब कर इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसे कंटेंट पाते रहते हैं। मेरा नाम है अविरत और आप देख रहे हैं पावर हाउस। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप JEE की तैयारी 2 साल के लिए करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 1 साल की बजाय, क्योंकि रिजल्ट्स भी यही बताते हैं कि 2 साल वालों के रैंक्स ज़्यादा बेहतर आते हैं IIT में 1 साल तैयारी करने वालों के मुकाबले। बट वैसे दोनों के ही फायदे और नुकसान हैं। अगर आप 11वीं क्लास से कोचिंग लेते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और अगर आप 12वीं से कोचिंग लेते हैं तो उसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप 11वीं से कोचिंग लेते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको 11वीं का सिलेबस 11वीं में करने को मिलेगा और 12वीं का सिलेबस 12वीं में करने को मिलेगा। बल्कि अगर आप 1 साल कोचिंग लेते हैं यानी 12वीं में, तो आपको 11वीं 12वीं का सिलेबस दोनों का एक में ही करना पड़ेगा 1 साल के अंदर। ये थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है कि 1 साल में आप दोनों की तैयारी कर पाए IIT लेवल पर। तो चलो आपको पहले बताता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेने जा रहे हैं तो ऑफलाइन में 11वीं से लें या 12वीं में लें, कौन सी ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मानो एक बच्चा कोटा गया IIT JEE की तैयारी करने के लिए, उसने वहाँ जाके 2 साल की कोचिंग लेता है, तो उसको वहाँ पर उसकी 2 साल की हॉस्टल फीस भरनी पड़ेगी, मेस फीस भरनी पड़ेगी, कोर्स फीस तो है ही 2 साल के अलग से। पर अगर वो 1 साल की कोचिंग लेता है वहाँ पर JEE की, तो उसकी हॉस्टल फीस, मेस फीस कम लगेगी क्योंकि वो 1 साल के लिए रह रहा है वहाँ पर, और उसकी कोर्स फीस भी थोड़ी कम लगेगी। 1 साल की ट्रेनिंग में आपका फीस का बेनिफिट तो है 2 साल की ट्रेनिंग के मुकाबले। पर अगर हम रिजल्ट्स को देखें यानी टॉप 100 में IIT JEE में ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जिन्होंने 2 साल कोचिंग ली होती है या 5-6 साल कोचिंग ली होती है IIT JEE की। 1 साल कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स टॉप 100 में तो बहुत कम होते हैं। हाँ, उनका पीछे रैंक आ जाता है, पिछली सीट मिल जाती है, पर अगर यार कोई स्टूडेंट 1 साल कोचिंग लेने वाला ये वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अंत में पढ़ाई करने वाला ही जीतता है। जितनी ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, आप IIT JEE को एकदम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कह दिया कि 1 साल कोचिंग लेने वाले नहीं कर पाते क्रैक। मेहनत आपने करनी है। आप 1 साल में क्या 6 महीने में भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप में दम है तो। मैं तो सिर्फ रिजल्ट्स पे बात करता हूँ कि पिछले सालों के क्या आंकड़े रहे हैं। तो यार, अगर आपके पास कोटा में क्लासरूम कोचिंग के 2 साल करने के लिए 4-5 लाख रुपए की फ़ीस नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हैं। इसमें आपके 2-1 लाख रुपए लग जाएंगे, और आप कड़ी मेहनत करें 1 साल के अंदर, आपके पैसे भी कम लगेंगे और शायद आपका IIT JEE में रैंक भी अच्छा जाए। चलिए आपको बताता हूँ, अगर आप IIT JEE की तैयारी ऑनलाइन लेते हैं 2 साल की या 1 साल की, तो कौन सी बेहतर रहेगी ऑनलाइन में बताता हूँ अब आपको। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इंडिया में ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन से बढ़िया है IIT JEE की तैयारी के लिए, तो मैंने इस वीडियो पहले ही बना रखी है, आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना। मैंने इसमें फीस के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में हर बात डिटेल से बात करी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं 2 साल की, तो इसमें आपको ना कोई हॉस्टल फीस भरनी है, ना कोई मेस फीस भरनी है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा 1 साल की फीस में। तो ऑनलाइन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई हॉस्टल फीस नहीं लग रही है, मेस फीस नहीं लग रही है, आप ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं। इसमें बस आपका थोड़ा सा फर्क फीस का जरूर पड़ेगा अगर आप 1 साल की कोचिंग लेते हैं, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि आपकी हॉस्टल और मेस फीस तो बची रही है, बस आपकी कोर्स फीस में थोड़ा फर्क आएगा। तो मैं आपको ऑनलाइन में 2 साल के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 2 साल में आपके अच्छे से बेसिक क्लियर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। 1 साल में समय भी कम होता है, आपको दोनों 11वीं 12वीं का सिलेबस एक साथ करना पड़ता है, और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं, डिफिकल्ट तो होता है। इसलिए आप ऑनलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग लीजिए, घर पर ही रहना है, घर पर ही पढ़ना है, ना कोई हॉस्टल का किराया, ना कोई फीस,
खाली कोर्स फीस भरनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा एक साल और दो साल में। और आजकल तो आपके पास एक और ऑप्शन है फिजिक्स वाला का, जहाँ पे आप बहुत सस्ते प्राइस में IIT की तैयारी कर सकते हैं। वो लोग 3,000-4,000 में आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दे देते हैं, इतने कम में कोई नहीं पढ़ाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दो साल की कोचिंग एक साल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तो रहेगी। दो साल में आपको जो मेहनत करने को मिलेगी वो आप एक साल में नहीं कर सकते कवर, क्योंकि वो डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है। कई बच्चे तो दो साल में भी क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, कई स्टूडेंट ड्रॉप भी करते हैं। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि ड्रॉप करके फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, और ये भी बताऊंगा कि ड्रॉप करके अगर आपको एक साल कोचिंग लेनी चाहिए या घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। तो जब वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बात करूंगा, अभी इस वीडियो के बारे में आपको बताता हूं। तो देखा जाए यार, अगर आप एक साल की कोचिंग लेते हैं तो आपको फीस में बेनिफिट तो मिलता है थोड़ा बहुत, बट अगर आप अपने बेसिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंसेप्ट्स अच्छे से समझना चाहते हैं और IIT में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, टॉप 1000 में, टॉप 2000 में, टॉप 500 में, तो आप दो साल की कोचिंग लें, मेहनत करें। अंत में मेहनत तो आपको ही करनी है, और यही दो साल होते हैं, इसमें जम के मेहनत कर लो। एक बार मेहनत कर ली तो आप IIT में जा सकते हैं। तो ये तो मेरी राय थी कि आप दो साल कोचिंग ले या एक साल कोचिंग ले। आपकी राय अलग हो सकती है, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपके केस अलग हो सकता है, आप उससे वैरी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम उसका जरूर आपको उत्तर देंगे। और यार, अगर आप यहां तक पहुंच ही गए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहते हैं रेगुलरली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।